विभुम् ओम महाशांताकारं कृष्णनमदं नाभं श्रीशं विश्वाधारं श्रीशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतकमलेनं ज्योतिप्रज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु ओम नानाशुगंधपुष्पाणि सहपुष्पाणि मेधतो ज्ञान परमेश्वरः गोगा देव जी बड़े ही योगीनाथ हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, योद्धा हुए हैं। उनके नाम से शेखाड़ा में यहाँ पर भव्य मंदिर बना हुआ है, तो उनके आदर्शों को युवाओं को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं ये गोगा देव दादे का सबसे बड़ा काम उनकी व्याक्रम के लिए हमेशा मैं एक राजनीतिक परिवार से आया हूँ। जब से मैंने राजनीति शुरू की है मैं दादाजी के प्रति बड़ा समर्पित हूँ और मैं इनको मेरे इष्ट देवता मानता हूँ। और हमेशा मेरी एक मन में भावना थी कि जब कभी भी मैं कामयाब हूँ जनता के आशीर्वाद से, इस धाम के ऊपर ऐसे विकास के कार्य होने चाहिए जिससे आम जन को सुविधा मिले। पिछली सरकार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरी दफे बने मैं विधायक नहीं था, पर मैंने उनसे मांग रख करके जो ये शानदार सड़क बनी हुई है देवतुल धाम इसकी स्थापना करवाई। इस बार विधायक बनने के बाद में मेरी और मेरी धर्मपत्नी की ही इच्छा थी इस स्थान के ऊपर इतना जबरदस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए और उसके अंदर सब आधुनिक स्पोर्ट्स के आइटम आने चाहिए। जो युवा फौज में जाए, जो या युवा कहीं नौकरी में सिविल नौकरी में जाए, शारीरिक फिजिबिलिटी से मजबूत होनी चाहिए। उसी को देखते हुए मैंने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की घोषणा की। उसका आज भूमि पूजन हुआ और ये 50 लाख का बिल्डिंग इस धाम पर बनेगा। मैं यहाँ समर्पित हूँ और मेरी नमस्कार। आज गोगा देव जी के धार्मिक स्थल आज माघ की 2:20 थी। कार्यक्रम आज बहुत ही अच्छा रहा। मैंने मेरी ड्यूटी शुरू से ही पूरा मिनिस्टर और रास्ता रही है। मैंने पूरा मिनिस्टर और रास्ता रही है। मैंने पूरा मिनिस्टर और रास्ता रही है। गाँव में अपने विधायकों से अच्छी तरह से संतुष्ट होकर पैसे और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सदैव सब पर कृपा बनी रहे, सब प्रगति करें, प्रगति करें। और आज का जो कार्यक्रम मैंने हुआ कि शिलान्यास करें, उसमें मैंने कन्या महाविद्यालय हॉस्पिटल काफी जगह मैंने जो शिलान्यास करें तो 10 करोड़ रुपए हमने दिए। और आगे जो आज डिमांड करी है यहाँ के गोगा देव समाज ने, वहाँ मैं विधायक विधानसभा में प्रश्न उठाकर जो मांगी पूरी करूँगी, ये मेरा वादा है। जो आप सब दर्शन कुंडियो आप सब वास्तव में सरगुड़ा विधायक बाबूसा आदरणीय मीना कंवर जी, ठाकुर साहब मारो सिंह जी, संत शिरोमणि सभागार में विराजमान गणमान्य सज्जनों, पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दुर्गा स्वरूपा मातृशक्ति अधिकारी वन और पत्रकार साहब, तो मैं मारू हूं और सब बहुत बड़ी सुखदाई घटना ही बहुत बड़े जुलम हो जोर दिया। अरे घटना आज पहली बार देखी नहीं, सेनापति ढोल बजता, खुशियां और मौके हो सब खुशियां मनाता। जब तक ही इन हादसे ने जगह कार रैली कर सरकार माता को दबाव बढ़ाने में सहयोग करियो। इन हादसे में पढ़ने की तरफ हूं आभार व्यक्त करूं कि अरी बकरी कड़ी ने हमारा साथ दिया। इन अलावा भी आज विशेष वो प्रशासनिक स्वीकृति आज नीति स्वीकृति आई है और स्पोर्ट्स सेंटर वो स्पोर्ट्स और कार्यकारी एजेंसी हमारे साथ पूरी जुड़ी, तो बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स सेंटर बन गया। इधर स्पोर्ट्स सेंटर में युवाओं ने अठे आगे बढ़ने की प्रेरणा में ही आगे बढ़ने उन्हें अवसर मिले।
तरफों पढ़ने तरफों आपने धन्यवाद दे आभार व्यक्त करा। एक अच्छो रिसोर्स सेंटर अठे वीर श्रोमणी दादो साहब गोगा देव जी सामने आप स्वीकार करे। जब कभी अवसर में आशीर्वाद अवसर मिले, राजनीतिक सेवा में सेवा करने का मौका मिले, तो पहले भी आप मैंने आशीर्वाद दे लगातार 15 साल विधायक राखी हो, मैंने भी आप इस सेवा करने का अवसर दियो। तो उन कार्यकाल में जो भी आप खुले रूप खुले दिल मांग करी, चाहे अपने 12 गांव गोगा देव परिवार रहा है, चाहे